आभा हेल्थ आईडी क्या है? दुनिया के डिजिटल होने के साथ भारत की केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी डिजिटल बनाने के उपयोग कर रही है। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा कार्ड या हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। आभा कार्ड में 14 अंकों की संख्या होती है, जो विशिष्ट रूप से आपको भारत के डिजिटल हेल्थ केयर में एक भागीदारी के रूप में पहचान देगी। यह नंबर आपके लिए एक भरोसेमंद पहचान स्थापित करेगा, जिसे देश भर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया जाएगा। यह सभी स्वास्थ्य रिकॉर्डों को एक खाते में जोड़ने की अनुमति देगा। यही नहीं, हेल्थ कार्ड के फायदे और भी हैं, जैसे आप अपने सभी रिकॉर्ड को अपने मोबाइल पर डिजिटली रूप से संकलित और संग्रहित कर सकते हैं। आभा कार्ड बनाने के लिए आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। नहीं तो आपको टाइप कर लेना है abdm.gov.in। टाइप करने के बाद आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। आभा कार्ड बनाने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट आभा नंबर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट आभा नंबर। आप आभा कार्ड अपने आधार कार्ड से और ड्राइविंग लाइसेंस से बना सकते हैं। तो सबके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड से ही अपने आभा कार्ड को बनाना है। तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर अपनी टाइप कर देनी है। उसके बाद से आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा टाइप कर लेना है, यानी दोनों नंबर को आपको जोड़ के यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका आभा कार्ड पे बन चुका है। आप इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको प्रिंट आप कर सकते हैं। आभा कार्ड में जो भी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, वो सारा डिटेल आपके आधार कार्ड से ही ली गई है। अपने आभा कार्ड में कोई भी डिटेल आप एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट डिटेल, इस पे क्लिक करके अपने आभा कार्ड में जो भी डिटेल है आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट ईमेल एड्रेस, आप अपने आभा कार्ड में ईमेल एड्रेस को भी अपडेट कर सकते हैं। चलिए मैं अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी टाइप कर देनी है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर लेना है। ओटीपी को टाइप करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके आभा कार्ड में ईमेल आईडी भी ऐड हो जाएगी। एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सेट पासवर्ड। अब चाहे तो अपने आभा कार्ड में एक पासवर्ड भी आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं पासवर्ड भी क्रिएट कर देता हूँ। इसमें सेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको टाइप कर देना है, जो भी टाइप करना है अपने मन से आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद से कन्फर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन में फिर वही पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद से लिखा हुआ ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर लिंकेड विथ आधार कार्ड, और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर लिंकेड विथ योर आभा नंबर। तो दोनों नंबर मेरा सेम ही है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर लिंकेड विथ आधार वाले ऑप्शन पे। फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका पासवर्ड सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। एक ऑप्शन और आपको देखने को मिल जाएगा, री ए के वाई सी वेरिफिकेशन। ये ऑप्शन आपको तभी सेलेक्ट करना है जब यदि आपका आभा कार्ड बना हुआ है और आगे आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाते हैं, तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डिटेल होगा वो आपके आधार कार्ड से ही उठा लेगा। एक लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, डिलीट एंड डीएक्टिवेट। यदि आप अपने आभा कार्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं या एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो आभा कार्ड होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह आप घर बैठे ही अपने आभा कार्ड को आप बना सकते हैं अपने आधार कार्ड से। आभा कार्ड बनाने से पहले आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप अपना आभा कार्ड आप बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।